मतलब 12 इंच की कोई है ही नहीं, अच्छा ये भी तो है, मुझे ऐसा लग रहा है ये वन है, हाँ, एक ये तो 1 फीट के, हाँ बेटा हाँ टच नहीं करना है, टच नहीं करना, हाँ पर वो छोटे हैं, ये भी है 12 इंच के शायद है ना, नहीं तब लगा सकते हो बट अभी नहीं टच करो, 1 वीक के बाद आएगा, आ जाओ। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये 2 दिन पहले का व्लॉग है, मैं बाहर निकली थी दूसरे पांडाल में गणपति जी देखने के लिए, बच्चों को लेकर के गई थी और यहाँ पे मैं देख रही थी तो वो बोल रहे थे कि 1 वीक के बाद ही गणपति आएंगे, जो कि मुझे चाहिए थे, यानी कि मुझे इको फ्रेंडली मिट्टी के चाहिए थे और इनके पास जो थे वो ये POP के थे, इसलिए इन्होंने बोला 1 वीक के बाद आप आइएगा, आपको और अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे। और उसके बाद ये देखिए मंडे की ही ये क्लिप है, मंडे को मेरे घर के पास जो मंदिर है वहाँ पर बहुत ही सुंदर डेकोरेशन होता है, दियों का सजावट होती है, तो वही यहाँ पे हो रही थी। ये दूसरा मंडे है जो निकल गया है, आप लोग बताइए आप लोग का सोमवार कैसे जा रहा है। उसके बाद रात में मेरा यहाँ पे एक पार्सल आ गया था जो कि मैंने ओपन किया, मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था कुछ सामान, तो वही है ये, यहाँ पे मैंने अपने लिए एक फुटवेयर मंगवाया था, मेरे पास वाटरप्रूफ जो मतलब नहीं था कुछ भी फुटवेयर, इसलिए मैंने यहाँ पर ये मंगवाया था, बाटा का है, अच्छा है और मैं इसको वेयर करके देखूंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसा है, मैंने ये अपने लिए मंगवाया है। तो चलो इसके बाद तो फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, अब मैं आपको सीधे नेक्स्ट डे मिलूंगी मॉर्निंग में। तो यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रही थी, काफ़ी सुंदर लग रहा था, मतलब फैंसी भी है एट द सेम टाइम कम्फर्टेबल भी है। हो गया ब्रेकफास्ट? हाँ। कैसा था? था? क्या खाया? मैंने खाया इडली। और ईरा कह रही और दे और दे, कैसा क्या है? इडली लाओ इरू, लाओ इडली इरी दो, इरू क्या इरी दो, देखो देखो मस्ती कर रही है जानबूझ के। खत्म खत्म हो गया, खत्म हो गया। ओ चलो जाओ बेटू, जल्दी से प्लेट रख के आओ और हैंड वॉश कराओ, वो उठाने की कोशिश कर रही है छोटा छोटा। ओके गाइस, तो यहाँ पे 8 बजने वाले हैं, 5 मिनट में पीहू की वैन आ जाएगी और गुड मॉर्निंग बारिश, देखते हैं क्या हाल है। रुकिए, यहाँ पे बारिश हो तो नहीं रही है बट मौसम जो है वो बारिश वाला ही है, अभी बारिश रुकी हुई है। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हुई है दिन सुबह से, एकदम मॉर्निंग से स्टार्ट किया है मैंने। 6 कहाँ बज रहे हैं बेटू? तो 8 o'clock हो रहा है, आपके जाने का टाइम हो गया है और अभी घर पूरा ऐसे ही फैला हुआ है, सुबह के टाइम कपड़े वपड़े पूरे इधर कपड़े वगैरह जो हैं वो सब फैले हुए हैं और बस 5 मिनट्स में पीहू की वैन आ जाएगी। तो पीहू कल स्कूल में कैसा है? पेपर ख़त्म हो गया, मज़ा आया घूम के आई तुम? कंप्यूटर का शायद नहीं होएगा, और बाकी पीहू के एग्ज़ाम के बाद पीहू को हम लोग घुमाने लेके गए, पीहू ने बड़ा मज़ा किया, एंजॉय किया अपनी फ्रेंड के साथ। हाँ कैसा लगा था फंकी मंकी में? अच्छा लगा था। अरे वाह, देखिए गाइस ये जितनी बड़ी है नहीं उतने बड़े काम कर रही है, एक इधर से पकड़ रही है और एक उधर से पकड़ रही है, तो देखिए खोलने की कोशिश कर रही है। अच्छा मुझे एक लोग का मैसेज आया था, 2-3 लोगों का, कि ईरा के बाल नहीं आ रहे क्या? तो नहीं गाइस, बाल आ रहे हैं, वो दूर से आपको दिखता नहीं है कि बाल आ रहा है, बाल आना उसका शुरू हो गया है। देखिए ये सारे ड्रॉस जो है वो खोलने की कोशिश कर रही है। ओके गाइस, तो मैं आपके साथ यहाँ पे गारो का हेयर वॉल्यूमिनाइज़र के बारे में कुछ बात शेयर करने जा रही हूँ। ये मैंने प्रोडक्ट अमेज़ॉन से मंगवाया है, आपके गीले सूखे बालों को ये अच्छे से स्ट्रेट कर देता है, साथ ही साथ ये आपके बालों में वॉल्यूम भी क्रिएट करता है। अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं तो आप इसको परचेस कर सकते हैं, ये मैंने अमेज़ॉन से परचेस किया था, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये। देखिए मैं आपको इसकी आउटर कवरिंग भी दिखा रही हूँ, ये जो ये वॉल्यूमिनाइज़र है ना, ये बहुत ही अच्छा है, 2 हीटिंग स्पीड के साथ में आता है, तो आप लोग लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। उसके बाद मैं इधर किचन में आ गई थी, यहाँ पे अपना मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट किया है, बच्चे चले गए हैं, मतलब पीहू स्कूल चली गई है एंड ईरा सो गई है, मैं यहाँ पे दूध जो है वो चढ़ा रही हूँ गर्म होने के लिए, सुबह दूध आ जाता है तो मैं इसी टाइम पर चढ़ाती हूँ बच्चों के जाने, पीहू के जाने के बाद। और अब बस मैं यहाँ पर अपनी चाय बना रही हूँ, अभी मैंने अपना
स्किन केयर कुछ भी नहीं किया है, काफ़ी दिन से सोच रही हूँ कुछ तो अपने स्किन पे अप्लाई कर लूँ, तो आज वो भी करना है। और यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है, वर्मा जी ने कल रात में ये बादाम भिगोए थे तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बादाम भी खा लेती हूँ क्योंकि अच्छा है हेल्थ के लिए, इसीलिए। तो बस मैं यहाँ पे बादाम पील कर रही हूँ, चाय चढ़ी हुई है, खाने वाली आंटी जो है उनसे आज मैंने पनीर पराठा बनवाया था ब्रेकफास्ट में करने के लिए, सो मैं चाय के साथ एक पनीर पराठा खाऊंगी। और अभी किचन पूरी आपको मेस दिखाई दे रही होगी, सो वो सब भी अभी क्लीन करना है, सब जो सामान है ना वो जगह पर सेट करना होता है। काम वाली आती तो हैं बट वो क्या करती हैं, वो अपना काम झाड़ू पोछा बर्तन ऊपर ऊपर से करके चली जाती हैं, बाकी करना तो हम लोगों को ही पड़ता है, तो वो सब मुझे अभी करना है। और यहाँ पे देखिए मेरी प्लेट जो है वो लग गई है, फटाफट से फ्री हो, मैं अपनी चाय पीती हूँ और फटाफट से फ्री हो जाती हूँ। ईरा सो रही है। गाइस यहाँ पे हमारी ईरा उठ चुकी हैं, चाय पी के 10 मिनट हुआ ही था कि इनको पता चल गया कि मम्मा मेरी चैन से बैठी हुई है, चलो उठ जाओ। क्यों ईरा, सोना नहीं होता? ईरा सोना नहीं होता आपको? इधर देखे, सोना नहीं होता क्या? ईरू आज तो बाल कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं, इरा के ऐसे दिखते नहीं है, आज मैंने दिखा दिया है तो ज़्यादा दिख रहा है। और ये क्या देख रही है, टीवी, मैंने टीवी ऑन करी है ना तो ये टीवी बार बार देख रही है। और रिमोट दे दो मुझे, लाओ रिमोट दे दो मुझे, क्यों मना कर रही हो तुम? दे दो मम्मा को, दे दो, दे दो, थैंक यू इरा, थैंक यू बच्चे, दे दो, मैं लगाती हूँ, लाओ। तो मैंने लगा दिए हैं राइम्स, अब थोड़ी देर ईरा सुनेगी, वो सुनती रहती है। और यहाँ पे मेरी जो हाउस हेल्पर वो आ गई थी, तो उनकी आज मैंने बोला कि थोड़ा ना ये अलमारियाँ नीचे हैं कबर्ड्स, उसको थोड़ा क्लीन करना है, तो वही वो सारा सामान निकाल करके कर रही थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना जो फेस पैक बनाया था वो मैंने निकाल लिया है। फेस पैक क्या है वो मैं आपको बताऊँगी बाद में, अगर इसका रिज़ल्ट मुझे अच्छा दिखा तो। और यहाँ पे बस मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, और पीछे से देखिए ईरा भी जो है वो आ गई है, मतलब वो तुरंत टुक 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 करके आ जाती है। बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे छोटे छोटे पैरों से ऐसे चलते हैं ना। तो अभी मैं एक लेयर ऐसे लगा रही हूँ, और ये जो है वो बहुत अच्छे से नहीं स्प्रेड होता है आपके फेस पे, मतलब स्टिक होता है। फिर मैं दोबारा एक कोट और लगाऊंगी थोड़ा, जब ये सूख जाएगा ना 5-7 मिनट बाद, तो एक लेयर जो है वो और अप्लाई करूँगी। तो मैंने ये YouTube पे देखा था कि लोग बोल रहे थे इससे आपकी स्किन जो है वो थोड़ा अच्छी हो जाती है, सो इधर मेरी स्किन को थोड़ा ज़रूरत है इसलिए मैं ये सब अप्लाई कर रही हूँ। बीच बीच में कोशिश करती हूँ टाइम निकाल के कर लूँ, बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल होता है बट फिर भी कोशिश करती हूँ। आजकल मेरा हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, शायद ये मौसम ऐसा हो रहा है मानसून का, इसलिए ह्यूमिडिटी की वजह से पता नहीं बट बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। सो आप लोग के पास अगर कोई अच्छी रेमेडी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा मैसेज करके, मुझे अच्छा लगेगा। दूसरी लेयर यहाँ पे बाद में अप्लाई करूँगा। और यहाँ पे मेरे एक ना सब्सक्राइबर ने पूछा था कि ये कहाँ से आपने लिया है वाटर डालने वाला, पेड़ों को पानी डालने वाला, ये हमने डीमार्ट से परचेज़ किया था और ये काफ़ी अच्छा है, इस तरह से ये चलता है। और यहाँ पे देखिए ईरा जो है वो डांस कर रही थी, मैंने कोई सॉन्ग लगाया था तो उसको आजकल बड़ा अच्छा लगता है मटकना ऐसे करके, वही मैं थोड़ा रिकॉर्ड कर रही थी। मैंने कहा कि ये ईरा डांस करो तो ये भागने लगी। तो मैंने फेस वॉश कर लिया है और एकदम फ्रेश फील हो रहा है, थोड़ा सा लिपस्टिक अप्लाई कर लेती हूँ, अच्छा लगता है। भारती दी काम कर रही हैं, ये देखिए, और कहीं से ना महक आ रही है बहुत अच्छे बेसन भुनने की, जैसे लड्डू वगैरह बनता है ना वैसा। अब मैं उनको कॉम भी कर लेती हूँ साथ के साथ, भारती दी किचन में है, क्लीनिंग हो गई है, बर्तन कर रही हैं वो। पीछे से ईरा आ गई है, ये देखिए ये आई जगह ये घूमती रहती है, ये मंकी मिला बच्चा, मिला मुन्ना, सोना मिला मुन्ना, गुन्या गुन्या चाहिए ईरू को, ले लो ले लो। ओके, तो अब मैंने फेस अच्छे से वॉश कर लिया है, ठीक हो गया है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैं सोच रही थी कि हम लेडीज जो है वो एक ही समय में कितने सारे रोल जो है हम प्ले करते हैं एक ही टाइम पे, हम माँ भी बनते हैं, हम काम करने के साथ काम वाली भी बनते हैं, अगर हम बाहर जाते हैं, रुको रुको,
अगर हम वर्किंग हैं तो हम बाहर भी जा करके वो भी काम करते हैं, तो हम एक ही समय में हम एक औरत जो है वो कितने सारे रोल अदा करते हैं और उसको बहुत परफेक्टली एकदम अच्छे से प्ले करते हैं उस काम को। तो वही मैं सोच रही थी कि मतलब क्या क्या है लाइफ में। देखो मैं सुबह से उठी, मैंने टिफ़िन तो खैर मैंने नहीं बनाया, मेरे यहाँ भी कुक लगी हुई है, लेकिन जो खाना घर पे पहले मैं बनाती थी और जो लोग हैं पहले बना रहे हैं अपने घर पे, तो टिफ़िन बनाती हैं, खाना बनाती हैं, बच्चों को स्कूल भेजती हैं, उसके बाद बच्चे को देखते हैं, ईरा को मैंने सुनाया हाँ खिलाया, तो इस तरह से करके फिर नहलाया, तैयार किया, बेटा मेरा बच्चा, उसको नींद आ रही है, अभी मैं इसको सुलाऊंगी, देखो लेटी आगे ईरू, तब ये सो जाएगी, इसको सुलाऊंगी। फिर मेरा मन हो रहा था, बहुत दिन हो गए थे, मेरी स्किन में ना ऐसा ब्लेमिशेस टाइप का हो रहा है, तो अगर कोई अच्छी रेमेडी है आपके पास ब्लेमिशेस की तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं अप्लाई करूँगी जिससे कि थोड़ी स्किन जो है वो ठीक होगी। आजकल थोड़ा सा डलनेस, हाँ हाँ चलो अब मैं ईरा को सुलाती हूँ और मैं इस ब्लॉग का यहीं पर ही एंड कर देती हूँ। हम मिलेंगे कल, कल आपको एक अच्छे से इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। फटाफट से इस व्लॉग को मैं एडिट करूंगी और पोस्ट करती हूँ। चलो बाय बाय बाय।